तो अब हम लोग ऑब्स्टेकल फ्री ट्रेनिंग में आ गए, तो दूसरा पार्ट है ऑब्स्टेकल टू बोथ ट्रेनिंग एंड रेन ब्रो। तो इसमें क्या हो जाता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है, किस तरह का ऑब्स्टेकल, या तो बिल्डिंग हो या कोई पहाड़ हो, इसमें रेनिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बिल्डिंग का करेंगे। पहाड़ आदि का केस में दोनों चीज़ हो सकता है, तो पहले हम लोग बिल्डिंग का कर लेते हैं। ये मेरा चैलेंज होता, लेकिन ना ही अब हम रेंडिंग कर पा रहे हैं, ना ही हम ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, तब इसके हम पार जा करके रेंडिंग और ट्रेनिंग कैसे करें। तो मान लीजिए कि हम इस साइड से मेरा ट्रेनिंग हो रहा है, तो इस साइड से जब ट्रेनिंग हो रहा है तो कहीं पर हम दो पॉइंट के लिए ए और बी, ए और बी पर इस चार लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींचे, कंडीशन क्या होगा, एसी बराबर बीडी, बोलिए ये दोनों बराबर डिस्टेंस है, तो जब सीडी को मिलाते हुए और इतना दूरी है कि इस ऑब्स्टेकल को ये पार कर गया। अब सीडी को मिलाते हुए एक लाइन हम रेंज कर लिए और यहाँ पर फिर दो पॉइंट हम चूज कर लिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये ई एफ, ई एफ से एक हम लाइन लिए, ई एफ के परपेंडिकुलर पर हम सी एफ लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और यहां जी एच पॉइंट किए, इस तरह से ई ए सी बराबर बी डी बराबर ई जी बराबर एफ एच, ये ले लिए। तब ये जब हम बराबर बराबर ले लिए, तो जिस लाइन पर ये जा रहा था उसी लाइन पर ये मेरा जी और एच पॉइंट मिल गया। अब जी एच पॉइंट को लेकर के हम रेनिंग आगे कर देंगे, तो मेरा रेनिंग भी हो जाएगा और ट्रेनिंग के लिए डी ई, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ ये जो हो जाएगा निश्चित रूप से ये भी मेरा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि तीन एंगल 90 डिग्री बना तो चौथा
निश्चित रूप से 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी इक्वल टू बी जी इक्वल टू डी जो हमको फाइंड आउट करना था, तो चैनिंग का हम चैनिंग का लेंथ हमको मिल गया। तो ये हो गया कंडीशन वन। अब दूसरा कंडीशन में क्या होता है, सर्कल हो गया, इधर से हम चैनिंग करते जा रहे हैं। अब कोई भी लाइन इस तरह से कि कोई लाइन पहले नहीं ली, पहले हम एक पॉइंट चूज करके ए और दूसरा पॉइंट चूज के बी, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन लिए और इसका नाम दिए सी। इस तरह से पी ए बी बराबर बी सी, ठीक है। और ए सी को मिलाते हुए एक लाइन कीजिए, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी जब हुआ, ये क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज में, और तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये जो हो गया 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब कहीं पर भी हम एक पॉइंट लिए बी, ठीक है। अब बी से बी पॉइंट पर ए सी ए डी के परपेंडिकुलर एक लाइन लिए, ठीक। ये हो गया नाइन्टी डिग्री पर एक हम लाइन लेंगे, और ये कितना बड़ा लेंगे, ए डी के बराबर ए डी बराबर हम डी लेंगे, हो गया मेरा ई। अब क्या करेंगे, ए बी बराबर हम यहां सी से
डीसी के समानांतर डीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन थी। अब यहाँ पर ई एफ हो गया है, ठीक है, जहां इस लाइन को काटा ये हो गया एफ। अब एक पॉइंट से हमने एक आर के लिए और रेडियस कर लेंगे ए बी एफ बी सी, रेडियस लेकर के एक आर के और फिर एक बार एफ को सेंटर मान करके आर खींचे और दूसरी बार ई को सेंटर मान करके आर खींचे। ये दोनों आर जहां कटा ये हो गया मेरा पॉइंट जी। तो ए बी बराबर बी सी हुआ बराबर, ये क्या हो गया एफ जी बराबर ई जी, ठीक है। तो अब जो है कि ये जो ट्रायंगल बना ये भी तो मेरा समझ बहुत त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन जो गया यहाँ पर ये भी जो है यहाँ पर ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 45 डिग्री बनेगा, यहाँ ये 90 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री होगा, तो ये समझ बहुत त्रिभुज हो जाएगा है? और ये समझ बहुत त्रिभुज हुआ। तो अब ये अगर लाइन रहता तो ये मेरा चैलेंज आगे बढ़ता, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा अब इसलिए बी जी बराबर सी एफ, सी एफ। तो मेरा ये डिस्टेंस मालूम हो गया बीजी बराबर ये सी एफ। तो ये दूसरा मेथड हो गया, तीसरा मेथड जो है कि ये मेरा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये चैलेंज मेरा आगे बढ़ता। अभी हम पीछे रहे लेकिन बाद में एक कैसे मिलेगा एक चैलेंज का पॉइंट ये हम डिसाइड करेंगे। तो यहां से हम इधर से चैलेंज करते हुए आ रहे हैं, तो कोई एक पॉइंट ले लिए ए और यहाँ से किसी डिस्टेंस पर ये बी ले लिए, ए बी बराबर हम ए से आर खींचे और बी से आर खींचे, ये हो गया मेरा सी। अब ए सी को बुलाते हुए हम एक आर कीजिए एक स्ट्रेट लाइन कीजिए, अब जो है ये मेरा पॉइंट हो गया
ही, ठीक है। अब बी से किसी डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लिए डी ई, और डी डिस्टेंस लेकर के आर थ्री के एक बार डी को सेंटर मानते हुए एक बार ई को सेंटर मानते हुए, ये पॉइंट हमको मिल गया एफ। तो ये हम को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट में ए सी बराबर बी सी बराबर सी ए, दूसरा पार्ट हो गया इसमें हमारा डी बराबर ये बराबर डी ए, तो ये भी ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया। अब एक ए डी तीसरा हो गया कि ए डी बराबर हम डी जी मार्क किए, जी पॉइंट मिल गया हमको। अब जी पॉइंट पर हम कोई भी डिस्टेंस ले लिए ए डी लाइन से, डी जी लाइन पर कोई भी डिस्टेंस ले लिए और जी से मार्क किए, ये हो गया एच, और एच से हम जी एच रेडियस लेकर के एक आर्क खींचे और जी से एक आर्क खींचे, तो ये मिल गया मेरा एच। अब चौथा पॉइंट हो गया मेरा, चौथा कंडीशन जी एच बराबर एच आई बराबर आई जी आई जी, यह हो गया। तो यहां पर भी समबाहु त्रिभुज बना, तो सभी जो है ये मेरा समबाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल डी एफ, डी एफ ट्रायंगल जी एच आई, जी एच आई एंड ट्रायंगल ए डी जी, ए डी जी ट्रायंगल्स। तो इसलिए डी आई डी आई इक्वल टू मेरा क्या होगा, तो आप आई से डी को मिलाएगा तो ये चार लाइन में आ जाएगा। अब डी आई इक्वल टू हमको निकालना है, तो
जब ये सब न्यूक्लियर ट्रायंगल है तो एडी एडी इक्वल टू बीडी और इतना इक्वल टू ये हो जाएगा एडी। ठीक है, तो बीआई इक्वल टू एडी एडी माइनस एबी माइनस जीएन। ये हमको मिल गया इसके बीच का डिस्टेंस। तो इस तरफ से हमारा ये हो गया, बाकी कुछ और है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।